सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार डिश अंडों का हलवा, गरम गरम आप ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बच्चों की फेवरेट डिश, जो अक्सर हम अपने बचपन में भी खाया करते थे, नानी दादियाँ हमें बना के देती थीं। और ये डिश जो मैं बना रही हूँ स्वीट डिश, ये सिर्फ तीन चीज़ों से बनेगी। और ये डिश है अंडों का हलवा। अंडों का हलवा बनाने के लिए देखिए, मैंने ये मक्खन लिया है। मक्खन मैंने एक बड़ा लिया है, ये देसी मक्खन है, फुल पैकेट मैंने लिया है। और बाज़ लोगों को चिकनाई ज़्यादा पसंद होती है, मक्खन हलवे में ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कंडेंस मिल्क का ये मैं पूरा पैकेट लूँगी, इसलिए कि मैंने 8 अंडे लिए हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर आप 4 अंडों का बना रहे हैं तो आप हाफ पैकेट ले लें। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स बहुत ही मज़ेदार अंडों के हलवे के। तो आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आठों अंडों को मैंने, अब ये देखिए, मैंने इस बोल में निकाल लिया है। अब मैं कंडेंस मिल्क का ये पूरा जो है वो डब्बा डाल दूँगी इसके अंदर, और अच्छे से अंडों को फेंट लेना है। व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, बच्चों की फेवरेट। आपको अगर मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दें। और आपको जो डिशेस पसंद हैं उनकी आप रेसिपीज़ चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे लिख कर और आप भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी फरमाइश पूरी करने की। आप ये देख सकते हैं मैंने सारा मक्खन जो है ये पैन में डाल लिया है, पैन का चूल्हा मैंने खोल लिया है। आँच आपको बिल्कुल दरमियानी रखनी है। आप हमेशा मेरी अगर इस बात को याद रखें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, कि जब भी हलवा बनाएं आप या कोई इस तरह की अंडे वाली चीज़, तो आप जो है आँच जो है वो दरमियानी से थोड़ी हल्की रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत जल्द जो है वो लगना शुरू हो जाती हैं, जल जाती हैं और फिर वो सारा जायका ख़त्म हो जाता है चीज़ का। आप ये देख सकते हैं कि सारा मक्खन जो है वो पिघल गया है। ये मैंने देसी मक्खन लिया था, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है। और ये अगर आप देसी मक्खन लें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये देखिए, ये मैं सारा अंडों का अमेज़ा जो है वो इस पैन में डाल रही हूँ। चमचा जो है वो लगातार आपको चलाते रहना है। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपको कलर अच्छा चाहिए तो। मैंने फूड कलर नहीं डाला इसलिए कि अंडों का कलर वैसे ही मुझे अच्छा लग रहा था इस वक्त, तो मैंने फूड कलर अवॉइड किया है। थोड़ी सी मैं आंच बढ़ा दूंगी। अब ये देख सकते हैं कि अंडा जो है वो पकना शुरू हो गया है।
इसलिए हमें चमचा जो है वो बहुत तेज तेज चलाना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप ये देखिए कि अमीजा जो है वो बिल्कुल हलवे की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के झटपट तैयार होने वाला ये बहुत ही मज़ेदार हलवा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम बादाम पिस्ते काट के डालेंगे। ऑलमोस्ट ये आप ये देख सकते हैं भून चुका है। मैं इसे बादाम मैं अंदर डाल देती हूँ। अक्सर बच्चों को बादाम पिस्ते नहीं पसंद, मेरे बेटे को बादाम नहीं पसंद, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। अब मैं साबुत पिस्ते डाल रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप ना डालें। थोड़े से मैं काजू डालूँगी और ये देखिए हलवा जो है वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस हलवा रेडी हो चुका है। सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार डिश अंडों का हलवा गरम गरम आप ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे पास कोई इस तरह का कुछ सोर्स नहीं है।